तो दोस्तों क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची क्रंची आप बनाने के लिए आप देख सकते हैं जो नाश्ता बिल्कुल चलो बनाएंगे आलू से। तो आप फटाफट से इधर आलू ले लेते हैं। तो दो आलू ले लिए मैंने छिले उबले हुए, तो अब इनको छीलना है। इधर जो सामग्री ले के रख ली, तो चलो चलते हैं फटाफट से। आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। दोस्तों इतने मैंने दो आलू ले लिए थे मीडियम साइज के, तो इन्हें मैंने अच्छे से उबाल लिए। उबाल के अब मैं इन्हें चलूंगी, तो चम्मच से ऐसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से, ऐसे गुठली नहीं रहनी चाहिए ताकि ऐसे हो जाएंगे, तो गुठली नहीं रही। सारे लंच तोड़ दिए इसके। लहसुन, तो लहसुन मैंने डाल दिया। अब डालूंगी जीरा, तो जीरा भी डाल दे। और अब डाल देती हूँ प्याज। दोस्तों प्याज मैंने बड़े साइज की काटी है और पतली पतली काट ली, तो आधी प्याज डालूंगी। और मिर्ची मैंने 5-6 काटी थी, तो पतली पतली, तो एक चम्मच भर के मिर्ची डाल दे रही हूँ, काटी हुई हरी कटी। तो इधर अदरक से इसको मिक्स फिर से कर दूंगी। तो मिला दिया, तो मैंने अब डालूंगी अमचूर पाउडर। तो ये देखिए तो अमचूर है, तो जब अमचूर पाउडर डाल दो या अमचूर न डालो तो फिर नींबू, कोई तो नींबू डाल सकते हैं। तो अमचूर डाल दिया। और ये चाट मसाला, तो एक चुटकी चाट मसाला भी डालूंगी, क्योंकि चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, चटपटा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा रेसिपी में। तो ये रख दिए। तो अब डालते हैं नमक। तो नमक आप जितना लगे हिसाब से ही डालें। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, सारे मिला लेंगे। अब हरी मिर्ची डाल दी, मैं लाल मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्ची फिर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तो मैं लाल नहीं डालूंगी, हरी मिर्ची से अच्छा रहेगा। तो चलो इसको रखते हैं एक साइड में। इसको आटा हमने छान लिया और नमक डाल लिया, तो चलो आटा लगाते हैं। अच्छा रोटी की तरह सब दो लगा के तैयार करते हैं। दो मिनट के लिए उसको साइड में रखेंगे। अभी तक ले लिया हमने चावल का आटा, तो 2-3 चम्मच चावल का आटा ले लिया नाश्ता वाले चम्मच से। तो इसका पेस्ट बनाएंगे अब। अगर चावल का आटा नहीं हो तो जो ये नॉर्मल आटा ले सकते हैं, जिसकी रोटी बनती है वही वाला आटा ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा से घोल बना लेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए आटे को, तो मैंने आटा अच्छे से ले लिया। अब पतली सी रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पतली सी रोटी बेल के एक तैयार। तो इतने चम्मच ले ली, तो चम्मच से थोड़ा सा तेल लगाएंगे रोटी को पहले, ताकि चिपके ना अच्छे से, नहीं तो गीले गीले रहे। तो अब जो बना के रखा मिश्रण आलू का, तो इसको अच्छे से फैलाएंगे, ताकि चम्मच से अच्छे से ऐसे फैला दें, और नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे में अच्छे से बराबर लगा देंगे। रोटी पे मैंने अच्छे से मिश्रण लगा लिया, तो अब इसको गोल गोल रोल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से अच्छे से रोल बना तैयार करना है इसका, ऐसा टाइट सा। ये देखिए तो बहुत अच्छा सा बन गया है। तो ये मैं गोल रोल बना के हमने तैयार कर ला कुछ चाकू से। तो चाकू से उतना ही काटेंगे, जितना ज्यादा बड़ा नहीं, और ऐसे काट के ऐसे रख लेते हैं। देखिए इस तरीके से काट लेंगे। तो ऐसे इनको ऐसे थोड़ा सा दबाना है, तो ऐसे दबा देंगे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा के, और इसको रखने चाहिए इस तरीके से। डालेंगे तेल, तेल हमने डाल दिया। तो ये बहुत बढ़िया से, तो
गरम तेल हो गया, तो अब डालेंगे तेल में इसमें जो घोल बना के रखा चावल का आटा का, तो इसी में डिप करेंगे, अल्टी पल्टी करके इसी में डिप करके और डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से डाल देते हैं। तो एक में जितने आ जाएंगे एक बार में उतने ही डालेंगे। ये हो रहा है पकड़ा धीनी आंच में, तो जब तक हम दूसरे बेल के तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरीके से फिर से दूसरा रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमने बना लिया दूसरा रोल, तो फिर इसको भी कटिंग कर देते हैं। नहीं तो एक ही साइड जल जाएंगे। देख सकते हैं गोल्डन गोल्डन और क्रिस्पी बहुत बढ़िया से सिक गए अच्छे से। तो इनको हम हेच के रखते हैं प्लेट में, बिल्कुल क्रांची और क्रिस्पी बिल्कुल बहुत अच्छे गोल्डन। चलो तो फिर करेंगे, तो इनको निकाल लेते हैं। ये भी सिक गए, ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से सिक गए, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छे। तो इनको निकाल लिए। चटनी के लिए मैंने इमली गला दी, तो अभी 10 मिनट पहले इमली गला दी थी, तो चलो अच्छे से साफ करके धो के और गला दी मैंने। तो अब इन्हीं को चम्मच से मैश करेंगे, तो अच्छे से मैश कर लेंगे इमली के लिए। तो दोस्तों अच्छे से चम्मच से मसल मसल के निकाल दिया, तो अब इनके बीज निकाल के ये रख देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे जो बीजा निकलते हैं इनमें इमली में, और जिस सोना सारे निकाल दिए। तो अगर मीठी बना रहे हो तो गुड़ शक्कर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है गुड़ या शक्कर। तो मैं डाल रही हूँ शक्कर, मैं मीठी चटनी बना रही हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। आप गुड़ पसंद है आपको तो गुड़ डाल सकते हैं, और शक्कर पसंद है। अगर तड़का लगाना हो तो तड़का लगा सकते हैं। इमली की चटनी और आलू का ना, आलू और आटे का सवेरे नाश्ता में बहुत अच्छे से चाय के साथ आप खा सकते हो, और चटनी के साथ भी या हरी चटनी के साथ भी। लेकिन मैंने एक ही चटनी बनाई इसके लिए, आप देख सकते हैं, खोल के भी दिखा दूंगी। ये देखिए दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 2-1.5 साल हो गए हमारे वीडियो बनाते हुए, हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें दोस्तों हमारी वीडियो, ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।